कोई भी जानवर बड़ा होके दूध नहीं पीता है, इंसान ही है जो बड़ा होके दूध पीता है, और माँ का दूध नहीं, इंसान का दूध नहीं, कोई और प्रजाति का दूध पीता है। हम लोग यहाँ पे पूना में चित्रे बंधु मिठाई वाले के दुकान के बाहर है। चित्रे बंधु का एक बहुत सा बड़ा डेयरी है और वो मिठाई बनाते हैं दूध का। लेकिन ये दूध कहाँ से आता है? कोई भी जानवर, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, गाय हो, भैंस हो, उसको दूध तभी आता है जब उसको बच्चा होता है। और ये दूध सिर्फ बच्चे का हक होता है। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर बड़ा होके दूध नहीं पीता है, इंसान ही है जो बड़ा होके दूध पीता है, और माँ का दूध नहीं, इंसान का दूध नहीं, कोई और प्रजाति का दूध पीता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है वो बछड़े के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो हमने जो प्लैकार्ड्स बनाए हैं वो बोलते हैं नॉट आवर मदर नॉट आवर मिल्क, मतलब गाय ना माझी आई ना तीसे दूध माझे, गाय ना हमारी माँ ना उसका दूध हमारा। इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, दूध छोड़ो दया जोड़ो। तो ये लोगों को पता ही नहीं होता है कि दूध में कितना अन्याय और कितना अब्यूज़ है, कितना मतलब उसमें क्रूरता है। और हमको ये लोगों तक पहुंचाना है, और चित्रे बंधु को हम बोल रहे हैं कि आपको पैसा बनाना है तो बना लो, लेकिन प्लांट बेस्ड मिल्क्स, मतलब आमंड मिल्क, बादाम का दूध है या नारियल का दूध है, उससे आप बना सकते हो पैसा, लेकिन गाय और गाय का दूध या भैंस का दूध से पैसा मत बनाओ, ये तो बछड़े का हक है। तो आप देखेंगे वहाँ पे हमने दो गाय हैं, एक बछड़ा है और एक माँ है, और उसको हमने बांध दिया है, क्योंकि माँ और बच्चे को अलग करते हैं। माँ तो बच्चे के पास जाना चाहती है, बच्चा माँ के पास जाना चाहता है, लेकिन उनको बिल्कुल बांध देते हैं बहुत छोटे छोटे रस्सी से, और उनको दूध पीने का हक नहीं मिलता है। और ये जो है दूध बच्चे को पिलाने का हक, ये तो जन्मा हुआ हक है, बर्थ राइट, इट्स आवर बर्थ राइट, किसी भी माँ का बर्थ राइट है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है बछड़े के साथ और गाय और भैंस के साथ। उसको जन्म भर जब से पैदा होती है वो उसको बांध देते हैं ताकि वो आदत कर जाए कि बांधे हुए, उसको छोड़ेंगे एक साल दो साल के बाद भी छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाती है। उसको आज़ादी क्या होती है उसको बिल्कुल पता नहीं होती है। और ये हम बोलते हैं गौ माता, हमारे माता के साथ हम अभी कैसे ये कर सकते हैं क्या, यही हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू कि आपने ये सुना, और ये भी आप भी लोगों तक पहुँचा रही है। थैंक यू।